नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए, मतलब 14 जनवरी 2019 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग को ये वीडियो का नोटिफिकेशन रोज मिल जाएगा। और जो मैंने बाय सेल लेवल देता हूँ, उसका बाय लेवल एंड सेल लेवल, इनसाइड द बार कैंडल स्टिक फॉर्मेशन, 100 डे इमेज स्ट्रैटेजी जो दिखाता हूँ, कौन कौन स्टॉक्स में फॉर्मेशन हुआ है, तो वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। और बहुत सारा चार्ट का सेटअप है जो आप लोग को 95% एक्यूरेसी के साथ प्रॉफिट दे सकता है। और भी बहुत सारा स्ट्रैटेजीज है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए, मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया हूँ। ये जो इसका रेजिस्टेंस लेवल का अगला दिन जो रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक किया था, इधर जो रेजिस्टेंस था इसका लेवल ये ब्रेक किया था, उसके बाद आज 200 311 से 337 तक गैप आया। इधर ये 359 के ऊपर जो लेवल है उसका लेवल, इधर जो सब रेजिस्टेंस लेवल है 366, इधर ये जो रेजिस्टेंस आप लोग दिख रहा है, इधर जो रेजिस्टेंस है ये 366 तक ब्रेक होने के बाद ये 370 400 का तक जाने का चांस जा सकता है। और नीचे ये इसका लेवल आप लोग 61.8% का लेवल आ सकता है, तो 183 के नीचे ये 50, इसके बाद 130, उसके बाद 12086, इसके बाद ये 12 11 हज़ार के नीचे, 12 हज़ार के नीचे जा सकता है। तो अभी निफ्टी थोड़ा सा अप ट्रेंड दिखा रहा है, तो लगता है ये थोड़ा सा कॉन्सोलिडेट करेगा, इधर आके ये थोड़ा सा कॉन्सोलिडेट करेगा, ऐसे ही लगता है। इसके 12,400 का लेवल ब्रेक होगा ऐसा नहीं लगता है, ये कॉन्सोलिडेट करेगा ऐसा ही लगता है। और जो निफ्टी बैंक का जो लेवल है, निफ्टी बैंक का जो दिखा रहा है, उसमें देखिए, इसमें इधर अभी तक ये रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाया, ये 32,500 का आसपास जाने का कोशिश कर रहा है लेकिन जा नहीं पा रहा है। उधर इसका रेजिस्टेंस है, इधर इस लेवल पे इसका रेजिस्टेंस है 32,500 का नीचे ऊपर इसका रेजिस्टेंस है। और जो ये थोड़ा सा दोनों ही अपट्रेंड में दिखा रहा है, लेकिन दोनों ही कॉन्सोलिडेशन करने का चांसेस ज़्यादा है और बैंक निफ्टी को नीचे आने का चांसेस ज़्यादा है। ये 31,953 के नीचे आएगा तो ये आ सकता है 31,667, उसके बाद 31,241 तक ये आ सकता है। तो इधर मैंने ऑप्शन चेन देखूंगा, तो इसका ऑप्शन चेन देखूंगा, तो मैंने नेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। और निफ्टी का जो पीसीआर रेशियो है, फर्स्टली देखिए ये 1.8, मतलब पीसीआर रेशियो बहुत ही हाई हो गया है। इसका कॉन्ट्रैक्टेड अभी लेना ही चाहिए, मतलब नीचे आने का चांसेस इसका ज़्यादा है। इधर बहुत ही शॉर्टिंग ज़्यादा हो रहा है, इधर शॉर्ट कवरिंग, गुड साइड में शॉर्ट कवरिंग होने का चांस है। 12,200 में इसका सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, इसका सपोर्ट बना है इधर। और 12,400 में कॉल साइड में 12,400 में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, इधर लॉन्ग बिल्डअप दिखा रहा है। और पीसीआर रेशियो जो है 1.8 आप लोग देख सकते हैं, 18,175 ऐसा कुछ है। तो इधर आप लोग वॉल्यूम देखेंगे तो तब भी ये 1.8 के ऊपर इसका मतलब पीसीआर रेशियो हो गया, तो इसका कॉन्ट्रैक्टेड ऑब्वियसली लेना चाहिए। तो देखा तो मार्केट इसका नीचे जरूर आएगा, इसके बाद वो कॉन्सेप्ट करेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा पीसीआर रेशियो, उसके बाद ऐसे ही कॉन्सेप्ट करके करते रहेगा। तो अभी नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा ही है रखता है ऑप्शन चेन देख के निफ्टी का। और बैंक निफ्टी का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है,
आप लोग इधर से आप लोग को प्रोबेबिलिटी को दिखा ले हो, इधर नेट का क्या प्रॉब्लम है, रिकॉर्डर ख़त्म हो जाएगा रिकॉर्डिंग। तो देखिए आप लोग इधर से प्रोबेबिलिटी देख सकता है। देखिए इधर जो मैंने कैलकुलेट किया है 12177 में बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है, इसका कॉल इम्प्लेट वोलेटाइल इतना, पुट इम्प्लेट वोलेटाइल इतना, तो इधर 32,000 का में इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट है और 32,500 में रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस है, तो 32,000 के इस पास जाने का प्रोबेबिलिटी इधर ज़्यादा दिख रहा है। तो इधर से आप लोग पता कर सकता है कि इधर इधर नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और निफ्टी थोड़ा सा अप जाने का प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है। निफ्टी इधर इधर 12,400 के जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन इधर जो पीसीआर रेशियो मैंने एनालिसिस किया ऑप्शन चेन में, तो उसका इतना हाई और जाने का चांसेस बहुत ही कम है, नीचे आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। इधर कैलकुलेशन मैंने किया है आई बी दे के और कुछ कैलकुलेशन करके, लेकिन नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है। निफ्टी का जो चार्ट है, मतलब ऑप्शन चेन का जो एनालिसिस किया है, और बैंक निफ्टी तो नीचे दिखा रहा है, सभी साइड में से नीचे दिखा रहा है, नीचे जाएगा तो देखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में देखिए ऑप्शन चेन में 32,500 में इसका रेजिस्टेंस बना है, कॉल साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, इधर 32,000 में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, तो पुट साइड पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट इधर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, और इधर पी सी आर रेशियो एक से नीचे ही है, इधर पी सी आर रेशियो ऑलरेडी एक से नीचे बढ़ चुका है, तो ये 0.75 तक आ सकता है, तो देखता है क्या होता है। तो नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी दोनों में ज़्यादा और हो सकता है, और मतलब कंसोल नीचे डाउन डाउन और कंसोलिडेशन ऐसे ही होने का चांस ज़्यादा है, तो अप ट्रेंड ट्रेंड में जाएगा ऐसा नहीं लगता है, तो ठीक है ना। और मैंने रात में जो बाई सेल लेवल देखा था वो आप लोग बाई सेल लेवल देख लीजिएगा, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल कैसे क्या क्या होता है, कौन सा लेवल पे मतलब आप लोग एंट्री ले पाएंगे कल, तो वो भी लेवल आप लोग दिखाएंगे, तो वो उसका वीडियो भी आप लोग रात में जो वो भी आप लोग देख लेंगे। और मैंने देखिए कल का जो मैंने लेवल दिया था, मतलब फ्राइडे का जो लेवल दिया था बैंक निफ्टी का और निफ्टी का, तो वो कितना परफॉर्म किया वो एक बार देख लेता है। बैंक निफ्टी फ्यूचर का 32,209 और 32,108 के ऊपर हम अब लोग एंट्री ले सकते कि नहीं ले सकते एक बार देख लेता है। उधर 5 मिनट का चार्ट ओपन करना पड़ेगा, 5 मिनट का चार्ट में ओपन उधर 32,350 से खुलते ही ओपन, 159 में ये ओपन हुआ था, उसके बाद खुलते ही 350 हाई हो गया था, और तो इधर एंट्री लेने का मौका थोड़ा सा नहीं मिला था, और इधर इधर 108 का नीचे भी आया नहीं है, तो इधर एंट्री का मौका नहीं था। आज सारा दिन मार्केट मतलब साइडवेज मोमेंट ही दिया था। और निफ्टी का कैसा लेवल था एक बार देख लेते हैं, 12,314 का ऊपर और 12,288 का नीचे, तो निफ्टी का शायद देखना पड़ेगा ये खुलते ही कितना दिया था, यहीं थोड़ा सा पॉसिबिलिटी लग रहा था। निफ्टी में ये ओपन होने के बाद ये 362 गया था, उसके बाद ये 362 से 369 तक गया था। आप लोग इधर से जो 1 मिनट का अंदर कुछ कोई एंट्री ले सकते थे तो प्रॉफिट होता था, क्योंकि इधर 12,314 से इसका बाई लेवल था, तो 314 से 369 तक गया था, लेकिन एंट्री लेने से 1 मिनट का चार्ट में ओपन होने के मतलब एंट्री लेना बहुत ही मुश्किल काम है। और उसका नीचे इसका जो 288 के नीचे इस शायद आया नहीं था, ये भी मतलब 323 के नीचे मेरा ख्याल से 328 या 323 के नीचे ये नहीं आया था, 327